जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हमारी जो सीरीज चल रही है जगमोहन मल्होत्रा की एचपी जीके की, आज हम उसका थर्ड पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जो वॉल्यूम वन है बुक, उसका जो चैप्टर वन चल रहा है उसका पार्ट थर्ड है, रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, उसके ऊपर ये वीडियो है पूरा। और जितनी भी रिवर है हिमाचल में, वो सारी आज की वीडियो में पूरी एक्सप्लेन की गई है। और इसके बाद फ्रेंड्स, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर फिर उठा लेना। जैसे मैंने पहले लेक करवाई थी, लेक को भी आपने, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको पता लग गया होगा कि कंटेंट किस लेवल तक का है। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड वॉच वट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क इन प्रीवियस ईयर पेपर। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो टू द टॉपिक रिवर एंड ट्रिब्यूटरी। फ्रेंड्स, मैंने जो इसमें कंटेंट डाला है वो टू द पॉइंट है। एमसीक्यू के लिए जो बन सकता है वही है फ्रेंड्स। सो पहली रिवर है फ्रेंड्स यमुना। यमुना इसका वैदिक नाम है, उसको कालिंदी के नाम से जाना जाता है। राइज फ्रेम जो निकलती है यमुनोत्री से निकलती है, और जो टोटल लेंथ है ये 48 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, जैसे टोटल लेंथ वगैरह हो गई, ये वैदिक नाम, ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आप जरूर देखिएगा। और जो एंटर करती है फ्रेंड्स, ये खादर माजरी सिरमौर में जगह, वहाँ पे एंटर करती है। और जो यमुना है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और इसका जो रिलेशन है, मिथिकल रिलेशन जो माना जाता है वो सन के साथ माना जाता है। फेमस ट्रिब्यूटरी जो इसकी है यमुना की, वो है टोंस नदी, बाबर एंड गिरी। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा जैसे टोंस कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, गिरी फ्रॉम कुपर पीक, बाबर फ्रॉम चंद्रनाहन लेक नियर चांसल पीक ऑफ रोहड़ू। ये इम्पोर्टेंट है कि चंद्रनाहन जो लेक है कहाँ से निकलती है, इसलिए चांसल पीक ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये हमने देख लिया कि एंटर कहाँ पे करती है। अब जो लीव करती है, ये एंटर करती है खोदा माजरी में। और जो हिमाचल को जब छोड़ती है, वो जो स्टेट है, स्टेट तो सिरमौरी लेकिन ताजे वाले में छोड़ देती है, और वो हरियाणा में एंटर हो जाती है। तो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है वो है जलाल रिवर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक हो गया है, तो आप ये देख लेना। जलाल रिवर जो ददाहू में है, मारकंडा एंड आंध्रा, गिरी, असनी, बाटा, पाबर, टोंस, ये सारी इसकी रिवर मैन ट्रिब्यूटरी है। लेकिन जो फेमस है वो है टोंस, पाबर, गिरी, मैंने पहले ही बता दिया है। जो जलाल है ये ददाहू में है, गिरी गंगा एक छोटी नदी है जो उसको ज्वाइन करती है वहाँ पे। आंध्रा ये ट्रिब्यूटरी है बाबर की, नियर चिरगांव जो बिले गांव है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये नदी है। और जो गिरी है ये डिवाइड करती है जो सिरमौर है डिस्ट्रिक्ट, उसको इक्वल टू पार्ट में, सीस गिरी एंड ट्रांस गिरी। फ्रेंड्स, जो हमारी यमुना नदी है उसके बारे में फ्रेंड्स इतना ही है। और ये मैं पूरा जितना हो सकता है एक दो बुक से कंटेंट ले रखा है, जगमोहन भलोकरा एंड एक दो दूसरी बुक। अब है सतलुज रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो निकलती है मानसरोवर लेक से, फ्रॉम एक राक्षस लेक है तिब्बत में, इसलिए आपको ध्यान रखना है। रियर मानसरोवर लेक ये भी तिब्बत में है। और ये कहाँ से निकलती है, राक्षस लेक तिब्बत से। ये जितनी भी हिमाचल में 5 रिवर है उनसे सबसे लंबी है। और इसकी जो लेंथ हिमाचल में, जो फ्रेंड्स ये लेंथ है ये हिमाचल में है कि ये हिमाचल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये 320 किलोमीटर। और ये जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट, टू नॉट कंप्लीट, ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और फ्रेंड्स, जो ग्रीक स्कॉलर है उन्होंने इसको मेंशन करा था, जसरड्रॉस और हेसिड्रॉस। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है कि ग्रीक स्कॉलर ने इसको क्या मेंशन करा था। और इन तिब्बत इस को दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो है जुमती एंड मुकसुम। तो ये दो जो है ये आप याद रखना, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शायद पूछा है किसी, मेरे को अभी याद नहीं है लेकिन ज़रूर पूछा है। एंटर इन, और ये फ्रेंड जो एंटर करती है ये एफपी शिपकी में, शिपकी जो कि नॉर्मे एक जगह है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो याद रखना 6608 मीटर। शिपकी एक जो लाबी है पास है, तो वहाँ से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगी किन्नौर में, और उसके अगर एल्टीट्यूड पूछते हैं तो 6608 मीटर हमें याद रखना है। कई बार जैसे फ्रेंड आपको मीटर में याद है और फुट में आ गया, तो आपने उस टाइम जो मीटर में आपको अगर याद है तो उसको 3.3 से अप्रोक्सीमेट उसको मल्टीप्लाई करते आपको फिर उसका आइडिया हो जाएगा। इसका जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री, एंड इसका जो संस्कृत नेम है वो है शतद्रु। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, देख लेना, ये वैदिक शतुद्री एंड संस्कृत नेम शतद्रु। एचपी में फ्रेंड जैसे मैंने बोला था एंटर होती है शिपकी में जो किन्नौर में है, उसके बाद जो किन्नौर में एक गांव है छोरा विलेज, वहां से निकलकर ये फ्रेंड पहले शिमला में जाती है। शिमला में फिर एंटर होके डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, फिर वहां से जो लास्ट जो गांव है मतलब विलेज डिस्ट्रिक्ट है इसका सतलुज रिवर्स का, वो है बिलासपुर। बिलासपुर के बाद फ्रेंड ये एंटर होती है पंजाब में, और पंजाब के बाद एंटर होती है पाकिस्तान में, और इंडस रिवर में फाइनली वो एंटर करती है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटी है बसपा स्पीति एंड नोगली एंड सोन रिवर। बसपा कोई इसमें मेन पॉइंट नहीं है, जो स्पीति है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम कुंजुम रेंज से, और मीट सतलुज नियर, ये सतलुज को जहाँ पे ये मिलती है वो है किन्नौर में एक गांव है खाप विलेज, या फिर नमगिया भी वहाँ पर उसको बोलते हैं। और जो ये नोगली खड्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये मंडी में है, और ये मंडी में जो सतलुज एंटर करती है वो करती है नियर फिरनू, एंड मेन ट्रिब्यूटी है ये सियोन की, और ये फ्रेंड दूसरी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है नोगली खड्ड के पास, ये छोटी मोटी ये दिखना है। लेकिन इसमें जो आपको याद रखना वो है कि ये मंडी में कहाँ एंटर करती है, और इसकी जो ये रिवर है सियोनी, ये आपने याद रखनी है कि किसकी है। सोन रिवर ये कांगड़ा में है, और ये भी उसकी है सतलुज की। फ्रेंड्स जो अभी करंट में इसके ऊपर जो टॉपिक है वो है 22 मई 2018 को सतलुज आराधना हुई थी, एक आराधना मतलब पूजा वाज ऑर्गेनाइज बाय SJVNL, ये आपको पता ही होगा कहाँ है, किन्नौर में एट नाथमा झाकरी प्रोजेक्ट, जो उसकी जो कैपेसिटी वो है 1500 मेगावाट। वो फर्स्ट टाइप ऑफ आराधना वाज परफॉर्म्ड इन एचपी फॉर रिवर के लिए, ये पहली बार हुआ। अगर पूछे कि पहली बार किस रिवर के लिए आराधना की गई है इन पांचों रिवर में से, तो आपने याद रखना है सतलुज। अब फ्रेंड थर्ड है ब्यास। ब्यास नदी फ्रेंड निकलती है रोहतांग पास से, रोहतांग का जो एल्टीट्यूड है वो 3978 मीटर, और रोहतांग को, रोहतांग इसका आज प्रेजेंट नेम है, इसका ओल्ड नेम था भृगुतंग, ये आपने याद रखा है भृगुतंग इसका ओल्ड नेम है। इसका जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया, एंड जो संस्कृत नेम है वो बिपाशा, एंड इसकी जो टोटल लेंथ है वो हिमाचल में वो है 256 किलोमीटर। जो ब्यास एंटर होती है फ्रेंड्स कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो ये नियर संधोल एक विलेज है वहाँ पे, और जो उस विलेज कांगड़ा से जब ये लीव करती है मतलब कांगड़ा को जब लास्ट पॉइंट है उसका वो है मिर्थल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि एंटर कहाँ पे करती है और लीव कहाँ पे करती है। और फ्रेंड मंडी में है इसका बजोरा गांव नियर लारजी, वहाँ पे आफ्टर लीविंग कुल्लू, कुल्लू से आने के बाद ये मंडी में एंटर करती है बजोरा में, और अगर बजोरा नहीं आए कई बार नियर लारजी, लारजी भी आ सकता है तो वो भी करेक्ट रहेगा। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटी है वो है फ्रेंड्स बिनवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ब्यास की जो मेन ट्रिब्यूटी है वो बिनवा है, ये आप याद रखना ब्यास बी बिनवा, इससे आप मैच कर लेना थोड़ा। और जो लॉर्ड एल्गिन एक टॉम है धर्मशाला में, वो भी ब्यास नदी के जस्ट नियर है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है फ्रेंड बहुत ज़्यादा है ब्यास रिवर की, जैसे पार्वती स्पिन मलाना नाला बिनवान नियोगल बाण गंगा लूनी बनेर तेंज तिरथन एंड सुकेती ओहल रिवर गजखड एंड चाकी। तो
फ्रेंड इट मीन्स आपको जो दूसरी चार रिवर है उसकी याद करनी है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा एलिमिनेट ऑप्शन एलिमिनेट मेथड भी लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी इसकी ट्रिविल मैन मैनी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है जो ये हाईलाइट करे कि इसके बाद फ्रेंड मैंने थोड़ी छोटी सी एक ट्रिक बना रखी है, अगर क्योंकि मैन मैन है और ये सुकेती है, ये आप याद रखें, कई बार लगता है कि जो सुकेती है ये सिरमौर में है तो हो सकता है कि यमुना की रिवर, लेकिन सुकेती एक मंडी में भी है, मंडी की शायद कांगड़ा में है ये छोटी सी रिवर, और ये भी ब्यास की ट्रिब्यूटी में आती है। तो जो छोटी सी जो हाईलाइट का इसका मैं एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, एक पार्वती नाम की कोई लड़की है, क्रिकेट खेलती है, स्पिन बॉल डालती है, बहुत अच्छा डालती है, लेकिन उसको जब वो बॉल डाल रही है उसको बॉल फुल टॉस हो जाती है, जो बैट्समैन उसको शॉट मारता है और बॉल चली जाती है नाले के पास, फिर जो कैप्टन होता है उसको बॉलिंग से हटा देता है, नहीं नहीं यार दूसरी लड़की को बुलाती है जो कैप्टन लेडी होती है, उसका नाम होता है बीनवा, फिर बीनवा आती है, लेकिन जैसे ही आती है उसको भी न्यू बॉल देते हैं क्योंकि बॉल तो नाले में बाहर चली गई है, न्यू बॉल न्यू गर्ल, लेकिन उसका एक्शन ऐसा होता है कि उसका जो एम्पायर वो उसके ऊपर बैन ही लगाता है, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, तो कैप्टन जो होती है वो फिर बोलती है इसको तो मैं नेक्स्ट टाइम से लूंगी ही नहीं। तो आप फ्रेंड इतना ये याद रखना, इतना तभी मैंने हाईलाइट किया, वैसे आपने जो चार रिवर है उसको याद रखना है, फिर आप उसको एलिमिनेट मेथड से भी जा सकते हैं। 1 जनवरी 2019 महाआरती हुई थी फ्रेंड्स, 121 पंडित और गेस्ट थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद ठाकुर। ये इस टाइप की आरती जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, मतलब स्पेशल रिवर के लिए ये पहली बार हुई थी, मतलब पूरे एसपी में पहली बार हुई है। अगर पूछे कि महाआरती कौन सी नदी में हुई है तो आपने ये याद रखना है, और अगर आराधना पूछे तो अभी जो मैंने डिस्कस करा था सतलुज वो भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड नेक्स्ट है चिनाब, इसको मून लेक भी कहा जाता है, इसका रिलेशन है चांद से माना जाता है, और टू स्ट्रीम है चंद्रा एंड भाखा, वो दोनों जब मिली थी टांडी में नियर बारालाचा पास, का जो हाइट है 4891 मीटर, वैदिक इसका नाम है अस्किनी, और फ्रेंड ये एंटर होती है पांगी विलेज ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट नियर भुजिंद, और डिस्ट्रिक्ट को जो लीव करती है मतलब छोड़ती है वो है सनसरी नाला, एंड एंटर द पोर्डर वैली ऑफ कश्मीर, उसमें कश्मीर में चली जाती है, एंड उसके बाद इंडस में मिधान कोट एक पाकिस्तान में जगह है वहाँ पे मिलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 122, लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, पता ही होगा सबको कि जो वाटर की होल्ड मतलब जो उसकी कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है चिनाब नदी की। जो ट्रिब्यूटरी है फ्रेंड इसकी दो तीन ही है, इसलिए आपको चार नदियों की ट्रिब्यूटरी अच्छे से याद करनी, फिर पांचों ऑब्वियस है फिर एलिमिनेट हो जाएगी ऑप्शन से, मियार खड भागा एंड चंद्रा, जो खोक्सर विलेज है फ्रेंड ये जो चंद्रा रिवर है इसके नियर अबाउट में है। लास्ट है रावी, रावी फ्रेंड से राइज होती है बड़ा बंगाल से, इसकी टोटल लेंथ 158 किलोमीटर, वैदिक नेम पुरुषानी, संस्कृत नेम इरावती, एंड चंबा को लीव करती है नियर खेरी, और उसके बाद कश्मीर में एंटर हो जाती है। फ्रेंड आपको ये भी याद रखनी है कि कौन सी नदी कहाँ पे हिमाचल से जब लीव करती है कहाँ एंटर करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है बधाल रिवर, सीवुल रिवर, तांत, गरी, बैरा रिवर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड वो है सीवुल रिवर इसकी, ये आपको याद रखनी है। रावी रावी और ब्यास दो ऐसी है जिसको थोड़ा आपको ट्रिब्यूटरी देखनी पड़ेगी, बाकी फ्रेंड्स जो लास्ट ये इनकी इसकी कोई ट्रिब्यूटरी जो स्वान रिवर है ये बहुत ही फेमस रिवर है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में इसको सोरो रिवर भी कहा जाता है, और इन जो डिस्ट्रिक्ट ऊना है उसको ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करती है। इसकी जो वैसे जो ट्रिब्यूटी वो 73, छोटी मोटी जो रिवर है वो 73 है, उतना कुछ पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे कि ये सोरो रिवर किसको कहा जाता है और कौन सी रिवर है जो उन्ना को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। 4 नवंबर 2018 को फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 773 मीटर लॉन्गेस्ट स्टेट का एक ब्रिज बनाया गया है, लॉन्गेस्ट स्टेट ब्रिज याद रखना कहाँ कौन सी नदी पर बनाया गया है, और इसको जो ओपन करा था ये करा था सीएम जयराम ठाकुर ने, एंड इस ब्रिज के बनने के बाद जो इसने डिस्टेंस वो उन्ना एंड हरोली का
एक गांव है उसके भी जो डिस्टेंस को कम करा था अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर। तो ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो हिमाचल की जो रिवर है एंड इसकी ट्रिब्यूटरी। फ्रेंड्स, जितना भी कंटेंट हो सकता है जगमोहन बोलकरा से एक दो दूसरी बुक है वो सारा प्रोवाइड कर रखा है मैंने। बाकी फ्रेंड्स, अब आप कोई भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाइए और एक बार अच्छे से वीडियो को गो थ्रू कीजिए एंड फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड, कोई सा भी क्वेश्चन हो एसपी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, आप सारी रिवर और लेक सॉल्व कर पाओ। और फ्रेंड, कल हमने जो लेक करी थी उसमें आपने जो ऐड करना है वो फ्रेंड्स ये जो नाको एंड सोरंग लेक जो किन्नौर में है, जो फ्रेंड्स सोरंग है ये छोटी छोटी दो वहाँ पे रिवर है जानी एंड अरमानी, इसको फ्रेंड्स लोकली में सोरंग कहा जाता है। इसलिए जो छोटी छोटी रिवर है उनका नाम है सोरंग। एक्चुअली सोरंग में कोई ऐसी लेक नहीं है लेकिन छोटी छोटी ये जानी एंड अरमानी दो ट्रिब्यूटरी ही है इस लेक की, इसलिए इनको लोकल में सोरंग कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ, तभी वीडियो लाने का कुछ फ़ायदा होगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट स्टे मोटिवेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।